Past perfect continuous tense. In this tense, the action verb indicates that an action which began in the past and continued until another point in the past. इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में एक निश्चित समय तक जारी रहा या भूतकाल में किसी दूसरे कार्य के होने तक जारी रहा था। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी जो कार्य है वो पास्ट में शुरू होता है और पास्ट के ही किसी दूसरे कार्य के होने तक वो जारी रहता है। जैसे सेंटेंस है, मैं 1965 से भारत में रह रहा था, तो इसमें 1965 से रह रहा था या रह रही थी, यानी कि 1965 से रह रहा था, 1965 से रह रही थी या 1965 से रह रहे थे। तो इसकी मुख्य पहचान होती है कि इसमें एक पास्ट पॉइंट टाइम होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का इस्तेमाल होता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन होता है, इन तीनों के साथ ही हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल है, वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द टैक्सी फाइनली केम। इसमें ये दूसरा कार्य है, इस दूसरे कार्य होने तक यानी कि टैक्सी के आने तक ये जो फर्स्ट कार्य है जो पहले स्टार्ट हुआ था ये जारी रहता है। यानी कि इसमें वेटिंग का जो कार्य था जो कि हम एक लंबे समय से कर रहे थे, ये दूसरे कार्य के शुरू होने तक जारी था पास्ट में। और इस टेंस की मुख्य पहचान एक हो रहा है इसमें हम या तो सिंस का प्रयोग करते हैं या फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसमें फॉर का प्रयोग हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम, या जबकि इसमें भी फॉर टू आवर्स का इस्तेमाल हुआ है। कई बार इसमें जो समय होता है वो दिया होता है और कई बार समय नहीं दिया होता। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो हम वहाँ की परिस्थितियाँ जो भी हैं, वहाँ दूसरे अगर सेंटेंसेज हैं तो उनके कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर उसकी परिस्थितियों को भाप कर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें है, I had been having frequent back pain, so I decided to visit a physician. डॉक्टर को दिखाने तक उसका जो पेन था वो बैक में जारी था। तो ये ऑन गोइंग स्टेट है जिसमें का एक्शन जो है पास्ट का जारी था जब दूसरा जो एक्शन था सब्जेक्ट ने किया। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर क्या है, वी हैड बीन प्लानिंग अ ट्रिप, हम एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे, व्हेन समवन इंटरप्टेड अस। इस प्रकार ये इनकम्प्लीट एक्शन है, इसके अंदर अभी प्लानिंग चल रही थी वो भूतकाल में एक निश्चित समय तक जारी रहा जब तक उसको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो भूतकाल में शुरू होता है और एक निश्चित समय तक जारी रहता है जब तक दूसरा कार्य शुरू ना हो जाए। इसमें ये दूसरा कार्य है जो कि शुरू हुआ और इसके शुरू होने तक वी हैड बीन प्लानिंग अ ट्रिप सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही हम वहाँ पर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंसेज हैं इसमें हम या तो सिंस का प्रयोग करते हैं या फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि टू मंथ्स, टू आवर्स एंड सो ऑन। परंतु इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम का हम प्रयोग 7 o'clock सिंस संडे सिंस 1970, तो इस प्रकार से हम पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम हैं उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन दिस टेंस द इवेंट वर्ब हिंट्स दैट एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन पास्ट बट इज स्टिल गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कामों के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू होता है और अब भी जारी रहता है, यानी कि प्रेजेंट में भी वो जारी रहता है और संभव है, इट इज पॉसिबल दैट इट मे कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो कि भूतकाल में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी रहा और पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में भी जारी रहे। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होता है और उसके बाद हम से रहे हैं, से रही है, से रहा है का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें ये सेंटेंस है, वह सुबह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। आगे इसमें कर रहा है दिया हुआ है, तो इसकी पहचान है से, यानी कि से आगे रहे हैं, से
रही हैं से रहा है, यानी कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो ये इसमें दिया होता है। इसमें मुख्यतः हम सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और जो फोर है इसका प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। और याद रखना है इसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और सेकंड पर्सन के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, परंतु जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही सी इट या सिंगुलर नाउन कोई भी नाम किसी का हो सकता है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन या प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम करते हैं। याद रखना है इसमें हैज या हैव दोनों में से एक का ही इस्तेमाल करना है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं। आई हैव बीन लिविंग इन बुड़िया फॉर 3 months। इसमें जो स्टेट है वो अभी चल रही है इसके अंदर। आई हैव बीन लिविंग इन बुड़िया, इट मीन्स आई एम स्टिल लिविंग इन बुड़िया। आई स्टार्टेड लिविंग इन बुड़िया फॉर 3 months, मैं 3 महीनों से। इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, और ये पीरियड ऑफ जो टाइम है तब से लेकर यानी कि 3 महीने से लेकर अभी तक मैं बुड़िया में ही रह रहा हूँ, यानी कि जो रहने का काम है वो 3 महीनों से जारी है। 3 महीने पहले पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी जारी है। दिस इज एन ऑन गोइंग स्टेट। इसी प्रकार जो हमारी जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस फेस्टिवल सिंस अप्रैल। पॉइंट ऑफ टाइम जो है इसमें अप्रैल दिया हुआ है। अप्रैल से वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें भी ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। सिंस मॉर्निंग से ही हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा है। कार्य की जो स्टार्टिंग है वो पास्ट से हुई है और प्रेजेंट में अभी तक जारी है। और इसी प्रकार इसमें आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं खेल रहा हूँ। तो इसमें भी एक कार्य जो 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, वो प्रेजेंट में अभी तक जारी है। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक जारी रहता है। और इसकी मुख्य पहचान, इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, और हैज या हैव के साथ हम बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग इसमें करते हैं। इस टेंस में कार्य जो है पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट में जारी रहता है, और हो सकता है कि ये फ्यूचर के अंदर भी जारी रहे, यानी कि प्रेजेंट के अंदर ये काम इनकम्प्लीट होता है, जारी रहता है, संभावना है कि ये फ्यूचर के अंदर भी जारी रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एम्फेसाइज दैट एन एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस अंटिल अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर एट विच टाइम द एक्शन विल स्टॉप। इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा। इस टेंस में हम शैल या विल दोनों में से एक का प्रयोग करते हैं। आई और वी के लिए हम शैल चुनते हैं, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा विल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर बीन का, और इसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो मुख्य पहचान वही है, इसमें या तो पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है या इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, और आगे दिया होता है 3 घंटे से रहे होंगे या सुबह से रही होगी या 1970 से रहा होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा, ये फ्यूचर की बात है। सुबह से फ्यूचर में वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। ही विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, यानी कि फ्यूचर का यह पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, और फ्यूचर के अंदर ही वो सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा, सिंस मॉर्निंग। इसमें हमने विल या सेल में से एक को चुनना है, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद बीन का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी का इस्तेमाल करना है। आई और वी के साथ हम हमेशा सेल का इस्तेमाल करेंगे। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, इसी प्रकार जो दूसरे पर्सन है अदर्स पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन जो है यू ही सी इट दे या एनी नाउन जो भी है, उसके साथ हम हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्यूचर बताने के लिए होता है सेल या विल का इस्तेमाल। और इसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द टैक्सी फाइनली कम्स,
इसमें जो फ्यूचर की जो दूसरी एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी के फ्यूचर में होने से पहले तक ये जो काम है वेटिंग का, वो चलता रहता है फ्यूचर के अंदर। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी लंबे समय से वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। व्हेन द टैक्सी फाइनली कम्स, जब आखिरी में टैक्सी आती है, वे लंबे समय तक वेट कर रहे होंगे। इसी प्रकार आगे इसमें दिया हुआ, बाय नेक्स्ट अप्रैल वी शैल हैव बीन लिविंग इन बुढ़िया फॉर 60 इयर्स, अगले अप्रैल तक हम बुढ़िया में 60 सालों से रह रहे होंगे। ही विल हैव रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फ्यूचर का जो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है इसमें, फ्यूचर के किसी पीरियड ऑफ टाइम तक वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 2 घंटे तक जारी रहता है और इसमें बाय नेक्स्ट अप्रैल तक ये काम जारी रहता है। इस सेंटेंस में व्हेन द टैक्सी फाइनली कम्स तक उनका वेटिंग का काम जारी रहता है।